मैम पानी। क्यों, आपके ठंडी बोतल नहीं मिलती? जी जी मिलती है, आपके लिए चाय भी ला रहा। चाय मैं घर से पीकर आई हूँ, जाओ और जाके ठंडी बोतल लेकर आओ। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गीती राइट? जी 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 बताइए। मुझे लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। नहीं नहीं मैंने आपको बिल्कुल पहचान लिया, मैंने आपकी टिकटॉक वीडियोस देखी हैं। वो ही तो मुझे तो बच्चा बच्चा जानता है। काफी मजे की वीडियोस बनाती हैं आप। ये तो है, लेकिन अब मेरे फैंस चाहते हैं कि मैं टीवी पर या फिर फिल्म की ना बड़ी स्क्रीन पर आऊं। अब बताइए कब तक मैं मोबाइल की छोटी स्क्रीन पर फंसी रहूंगी। राइट, मगर ये तो आपके फैंस चाहते हैं, आप क्या चाहती हैं? मैं अब बताए मैं फैंस को कैसे मना कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि वो लोग ठीक कहते हैं, मैं अदाकारी में ना बहुत आगे जा सकती हूँ। आप खुद देखिए, पता नहीं कहाँ कहाँ से लड़कियाँ उठकर आ जाती हैं, हीरोइन बन जाती हैं। आपने देखी है ना मेरी टिकटॉक वीडियोस, मैं असल एक्टर से भी ना ज्यादा अच्छे डायलॉग्स बोलती हूँ। ठीक है, हम आपका एक ऑडिशन रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि आपको किस रोल में कास्ट करना। किस रोल में? मतलब मैं हीरोइन का रोल करूंगी। अनफॉर्चुनेटली टीवी पे जरा डिफरेंट प्रोसेस है कुछ। आप ऑडिशन रिकॉर्ड करवाइए और फिर हम उस ऑडिशन की बेसिस पे देखेंगे कि आप पे कौन सा रोल ज्यादा सूट करता है। राइट, आई एम श्योर आप वीडियोस वगैरह तो बनाती रही हैं, लेकिन टेलीविजन के लिए थोड़ी सी मजीद ग्रूमिंग की जरूरत होती है। आप अगर ये रोल अच्छा परफॉर्म करेंगी तो हो सकता है हम आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हीरोइन ले लें। और अगर मैंने ऑडिशन में साबित कर दिया कि मैं हीरोइन बन सकती हूँ तो फिर? इस ड्रामे की हीरोइन असल में कास्ट हो चुकी है। आप ऑडिशन तो रिकॉर्ड करवाइए ना, बाहर आपको एक लड़का मिलेगा फुरकान, वो रिकॉर्ड कर लेगा। आप देखिएगा मैं आपको इम्प्रेस कर दूंगी। आई एम श्योर। बाहर जाएंगी तो मिलेगा फुरकान आपको। हाँ, मैं बस ठंडी बोतल का वेट कर रही हूँ।